प्रचंड आशीर्वाद देकर एक अम्बत के साथ उनको जी बिल्कुल बिल्कुल अर्चना जी, और इस चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भी जिस तरह से झुंझुनू में जो एक सम्मेलन हुआ था, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद रहे थे और वो ताकत जिस तरह से कांग्रेस ने झोंकी उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है कि रीटा चौधरी यहां से जीती। अर्चना शर्मा जी बहुत शुक्रिया, और बधाई भी, बधाई भी मंडावा सीट को लेकर बधाई भी ये समय देने के लिए। और इसी के साथ एक बार संदीप का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो से वो हमारे साथ मंडावा से जुड़े हुए हैं। संदीप, रीटा चौधरी जीत गई है, किस तरह की हलचल, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, रीटा चौधरी की जीत सुनिश्चित हो गई है, आधिकारिक घोषणा बाकी है क्योंकि अभी दो ही राउंड की काउंटिंग है, वो बाकी है। 20 राउंड हो चुके हैं और 31,242 एक बहुत बड़ी बढ़त है, वो जरूर बहुत बड़ी बढ़त है, वो जरूर आ गई है। और 21 राउंड की यानी 21वां राउंड भी आ गया है सामने, 32,268, यानी कि आप मान सकते हैं कि जीत होगी वो 32,000 वोटों से ज़्यादा से होगी, एक बहुत बड़ी जीत। और शायद मैं बताऊं कि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जीत मंडावा विधानसभा में नहीं हुई, और रीटा चौधरी जब से चुनाव लड़ रही है वो चुनाव जीती तो भी बहुत कम मार्जिन से जीती थी, और जब भी हारी है तो वो भी बहुत कम मार्जिन से हारी है, तो इस तरह से एक बहुत बड़ी जीत है वो मंडावा। बहुत बड़ी जीत है, बिल्कुल सही संदीप आपने कहा। और ये मार्जिन मुझे लगता है कि शायद मुझे याद है 1800 या 1700 वोटों से पिछली बार चुनाव हारी थी, लेकिन इस बार 32,000 प्लस पहुंच गई है। सुशांत हमारे साथ जयपुर से हैं। सुशांत, जयपुर में हलचल क्या है, चूंकि दोनों सीटों की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई, दोनों पार्टियों के लिए बधाई भी और दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय भी है? सुशांत, सवाल एक बार दोहराएं अपना, जयपुर की हलचल बताइए इस वक्त रिजल्ट आने के बाद। देखिए, रिजल्ट आने के बाद अभी अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री आवास की, तो एक एक करके सभी मंत्री जो हैं वो सीएम हाउस से निकल चुके हैं। कुछ देर पहले भंवर सिंह भाटी जो हैं वो निकले, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने मंडावा की जीत पर खुशी जाहिर की, लेकिन खींवसर की जीत जो हुई है हनुमान बेनीवाल के भाई की, आरएलपी की, उसे लेकर वो जो है अपनी जो पीड़ा, अपना दर्द है वो बताने से रुक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की वहां पर, और जिस तरह से शुरुआत में कांग्रेस बहुत पीछे थी, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आखिरकार वो जो एक अंतर रहा है उसे हम पाटने में नाकामयाब रहे। जनता का जो जनादेश था वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मंडावा में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, तो कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है। और अब से कुछ देर पहले शांति धारीवाल निकले हैं, हालांकि परिणामों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड फॉर्मूले को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरे पास आलाकमान से कोई संदेश नहीं आया है, जिस तरह की खबरें लगातार रही हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अभी इसी मुद्दे को लेकर मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। आज हम सब ईडब्ल्यूएस को लेकर यहां इकट्ठा हुए थे, उनसे बात की है और कोशिश कर रहे थे कि जैसे जैसे परिणाम आए उसी हिसाब से रिएक्शन जो है मिले, लेकिन मंत्रियों में कुछ लोगों ने मीडिया से बात की, कुछ सीधे निकल गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री आवास पर हैं, उम्मीद कर रहे थे कि वो बयान देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से मीडिया को अंदर नहीं बुलाया गया है बाइट देने के लिए, तो इंतजार करना होगा सीएम के रिएक्शन के लिए। हो सकता है लेकिन दोनों सीएम का भी बात करें तो मंडावा सीट को बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मैं समझना यह चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए खुशखबरी है क्या, या कहा जाए कि मंथन करने की जरूरत है? देखिए, सीट तो निकल गई है, उपचुनाव आने वाले हैं, अगर आरएलपी से चुनाव हारने की बात कही जाए तो वहां पर भी मार्जिन पहले के मुकाबले बढ़ा है, तो जनता के बीच में स्वीकार्यता कांग्रेस की बढ़ रही है या कोई और फैक्टर था जिसकी वजह से यह सब हुआ है? देखिए संजय, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है एक अपर हैंड रहता है उसका उपचुनाव में। हाँ। उस लिहाज से कहें तो निराशाजनक परिणाम है, क्योंकि एक एक से स्कोर बराबरी पे रहा है, लेकिन जो खींवसर गढ़ माना जाता है हनुमान बेनीवाल का, हाँ। लगातार तीन चुनाव वहां से जीतते रहे हैं, हाँ। वहां पर जो है कांग्रेस ने बेहद कम मार्जिन से जो है चुनाव हारा है, ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ा है, उस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी बहुत मुहाने तक आकर कांग्रेस रुक गई, तो ऐसे में उस लिहाज से ठीक है, लेकिन जिस तरीके की ताकत खींवसर सीट पर लगाई गई थी, मंत्रियों का एक बड़ा दल वहां पर था, विधायक थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस के रणनीतिकार वहां जमा हुए थे, उस लिहाज से इतने कम वोटों से हारना निराशाजनक कहा जा सकता है। पिछले चुनाव में मंडावा की सीट कांग्रेस के खाते से निकल गई थी, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है पुराना, केवल मोदी लहर की वजह से ही नरेंद्र खीचड़ वहां चुनाव जीते थे, उस गढ़ को वापस हासिल करना और बड़े अंतर से जीतना
ये कह सकते हैं सुखद परिणाम है, लेकिन फिर भी एक एक का स्कोर जो है कहीं खुशी कहीं गम वाली जो बात मैं बता रहा हूं कि न ज्यादा खुश होने वाली स्थिति है। निश्चित तौर पे आत्ममंथन की जरूरत इस लिहाज से है क्योंकि निकाय चुनाव सामने है और कांग्रेस को उसके लिए फिर से नए सिरे से नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। ठीक है सर, ठीक है सुशांत, आप लगातार प्लीज हमारे साथ बने रहिए। पिंकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। पिंकेश जी, स्थिति साफ हो चुकी है, खींवसर में आरएलपी बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल कर लिया, हालांकि जो फासला है वो बेहद कम है, और वहीं मंडावा आपने अपने हाथों से खो दी है। 32,000 से भी ज्यादा वोटों से रीटा चौधरी ने वहां जीत दर्ज की है। पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं नारायण जी बेनीवाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। सर बधाई तो आपको भी है। दूसरी बात ये है कि ये एनडीए में सही है, जनता एनडीए में सही। सर बधाई तो आपको भी है, लड्डू लेके आना चाहिए था आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल बधाई है, और एनडीए ने ये सीट जीती है, गठबंधन ने सीट जीती है। हाँ। अभी जो अर्चना जी कह रही थी कि जिस बारे में अर्चना जी बता रही थी कि इनके बीच में खींचतान और ये इस प्रकार की बात, हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खींचतान और जितनी भी बातें हैं ये कांग्रेस के लिए है, न कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की अंदरूनी किसी प्रकार की खींचतान नहीं है। ये खींचतान मात्र कांग्रेस के अंदर जो अभी निकाय चुनाव को सर्कस बना डाला है, जिस प्रकार से सचिन पायलट जी के बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से नहीं हो सकता, न तो कैबिनेट के अंदर बात हुई, न हमारे नेताओं के बीच में चर्चा हुई, न विधायक दल की बैठक में बात हुई, और इस प्रकार का हाइब्रिड फार्मूला कैसे आ सकता है। दूसरी ओर इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी, ये देखिए जो तस्वीर हम, मैं चाहूंगा एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल के भाई की तस्वीर दिखाई जाए। इन तस्वीरों को देखिए, कहीं भी आपके बीजेपी का कमल का झंडा दिखाई दे रहा है या बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? ये बीजेपी की जीत जरूर है एनडीए के साथ, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, मैं बिल्कुल क्लियर करूं, ये जो तस्वीरें हैं, हाँ। ये तस्वीरें नहीं, निश्चित रूप से बेनीवाल का कद भी बढ़ा हुआ है, लेकिन ये एनडीए की जीत है, न सिर्फ बेनीवाल की जीत है। आप देखिए, बीजेपी का नहीं तो दूसरा झंडा भी नहीं है, और ये परिसर की है, जहां पे वोटिंग की काउंटिंग हो रही उस परिसर में कोई झंडा नहीं लहराया जा सकता है।